हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है, इस सॉन्ग पे मेरा दूसरा वीडियो है, लेकिन उसमें जो जो वीडियो था उसमें अलग सॉन्ग था और इसमें अलग पार्ट है। ओके, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तभी आप इस पर वीडियो को बना पाओगे। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा जो फ़ोन है उसमें माइक बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि ये जो मैंने नया फ़ोन लिया है इसमें मतलब जो माइक लगता है वो यूएसबी टाइप सी में लगता है, तो मैंने अभी कन्वर्टर नहीं लिया है। तो 10 से 12 दिन मेरे को ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन करूँगा तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो यार, थोड़ा आप मैनेज कर लो। तो गाइस, आज की एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपली इस प्रकार से काइन मास्टर में आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से विजुअल साइज को सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में जाना है, एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे। एरो क्लिक करने के बाद फिर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना हो यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ से कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी करूँगा, क्योंकि यार मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है माइक की वजह से। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 4 फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो आपको ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करना अपने हिसाब से, तो आपको जितना इमेज सेलेक्ट करना है उस हिसाब से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो यार देखो इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट कर दिया। सॉरी गाइस, मैंने सेटिंग में जाके एडिटिंग में जाके फिल स्क्रीन करना मतलब बताना भूल गया था। तो आप उसको फिल स्क्रीन कर देना पहले, फिर इमेज सेलेक्ट करना। तो मैं थोड़ा इमेज को अपने इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, इमेज को मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो गाइस, मैंने यहाँ पे फोटो को एडजस्ट कर लिया अपनी फोटो को। आपको भी इस प्रकार से अपनी फोटो को एडजस्ट कर लेना सही से। अब फोटो एडजस्ट करने के बाद अब आपके हिसाब से देखना कि आप शुरू में ब्लैक बैकग्राउंड का लेंथ कितना रखना चाहते हो, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। मैं यहाँ से 2 से 3 सेकेंड रखूँगा, उससे ऊपर नहीं रखूँगा। ओके, अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब गाइस क्या करना है, अपनी जो फोटो रहेगा उसमें हम क्लिप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे, जिसका नाम है कॉल मी डीजे। इसको अगर इंस्टॉल करना आपको नहीं आता है तो आप मेरे कल वाले वीडियो को जाकर देख लो, जो मैंने कल अपलोड किया था। तो आप जब वो वाले वीडियो को देखोगे तो आपको बता जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया पूरा डिटेल में कि आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो अब मैं ये लगा जो आपको एड करना है कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक नंबर वाला एड करना है, फिर दूसरा इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसी प्रकार से ये क्लिप ग्राफिक जो यूज होता है और ये अच्छा लगता है देखने में, आप इस प्रकार से यूज़ करते हो। अब तीसरा में हम 3 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और चौथा में जाके 4 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके गाइस, तो गाइस अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये वाला जो है वीडियो को एड करना है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने के बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रॉपिंग में जाना है और उसको नीचे थोड़ा क्रॉप कर देना है, इसका जो चैनल का नाम है वो डिलीट हो जाए। ओके, अब इसको डिलीट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग में जाकर सबसे पहले आपको स्क्रीन कर देना है। यहाँ पे देखो ये ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। ओके, अब स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे लेकर आना है और साइज को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेना गाइस, इस प्रकार साइज को बढ़ा के। अब ये साइज को बराबर मैंने एडजस्ट कर दिया। अब गाइस क्या करना है, जहाँ तक हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है पहले इस पर क्लिक करना है, आपको स्टैक एडियो इसका निकाल लेना। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सॉन्ग पे क्लिक करना है इसका स्टैक एडियो निकाल के ये जो सॉन्ग रहेगा इसका एडियो म्यूट कर देना, पहले से ये म्यूट हो गया होगा, तो इस प्रकार से आपको म्यूट कर देना। ओके, अब गाइस क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा इमेज आ रहा है वहाँ पे ये लिंक्स वाली वीडियो इसमें कट लगा देंगे इस प्रकार से। अब ये कट लग चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखाएंगे, इसको नीचे कर देंगे, जहाँ पे हमारा फोटो आता है वहाँ पे लिरिक्स जो है हमारा नीचे हो जाएगा। ओके, तो आपको इस प्रकार से नीचे कर देना है। अभी गाइस नीचे हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, आपको इस प्रकार से कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ले करना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये वाला इमेज को एड करना है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब एड करने के बाद साइज को इस प्रकार से बढ़ाना है, नीचे लेकर आना है, थोड़ा एडजस्ट करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है और यहाँ पर साइज को एंटर कर देना है लेंथ को। ओके, ये लेंथ एंटर हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब वैसे इसका लेंथ जो एंड तक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको कर लेना सही से एडजस्ट। ओके, अब वैसे आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये वाला फेयर वाली वीडियो को एडिट करना है, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको एडिट कर लेना। ओके गाइस, तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद साइज को इस प्रकार से बढ़ा देना है इसका और फुल कर देना है और इसका ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। अब ये स्क्रीन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लेकर आना है, यहाँ पे हमारा इमेज शुरू होता है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, देन आपको ये दूसरा इफेक्ट को एड कर लेना है, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी एड कर लेना। ओके, मैं यहाँ से एड कर लेता हूँ, ये हमारा इफेक्ट वीडियो मैंने इसको एड कर लिया इधर है। अब एड करने के बाद साइज को इस प्रकार से बढ़ा देना है और इसका ऑडियो म्यूट कर देना है पहले। ऑडियो म्यूट करने के बाद यहाँ पे जाना है इसका सबसे पहले एडजस्टमेंट में, नीचे जाना है, ये जो हुए रहेगा ना उसको चेंज कर देना है। तो ये हुए का ऑप्शन जो है आपको ये काइन मास्टर में मिलेगा, तो ये काइन मास्टर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ, तो सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से अपने कलर को सिलेक्ट कर लेना।
ओके, अब सेलेक्ट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग में जाके सबसे पहले स्क्रीन कर देना आपको। तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा जल्दी लग रहा है मेरे को। अब गाइस इसका ब्लेंडिंग में जाकर आपको स्क्रीन कर देना है। अब स्क्रीन करने के बाद इस प्रकार से हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे ले करना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, देन आपको ये वाला इफेक्ट वीडियो को एड करना है। ओके, अब इसको एड करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। अभी स्क्रीन हो जाएगा, आप लोग देखते हो गए इस प्रकार से स्क्रीन हो चुका है और इस प्रकार इफेक्ट लग चुका है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी इमेज का लेंथ है आप थोड़ा कम रखना, मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि मेरा इमेज कम है, तो आप ज़्यादा इमेज सेलेक्ट करना और थोड़ा इमेज का जो लेंथ है वो थोड़ा कम रखना। ओके, इस प्रकार से देखो एक इमेज का लेंथ 1 सेकेंड 2 सेकेंड रखना, उससे ऊपर नहीं रखना। अब गाइस इस प्रकार से हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो पर आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की बनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।